हाँ नमस्कार जी, मैं डॉक्टर रोहित बाधरा संजीवनी हेल्थ केयर से आज आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलाता हूँ जिनको पिछले एक साल से कमर में दर्द और साइटिका की दिक्कत थी और बीते 4 महीनों से तो इनकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, चला भी नहीं जाता था बिल्कुल। 4 महीने से ये चार पाई पे थे। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमिला है। परमिला जी, परमिला जी आप कहाँ से आए हो? हिसार से। हिसार से। फौजी साहब कितने दिनों से दिक्कत थी इनको? वही इनको वैसे तो 4 महीने से दिक्कत है ज़्यादा तो, और वैसे एक साल से कमर में दर्द बता रही थी। 4 महीने से जैसे ये स्कूल में टीचर है कंप्यूटर की, तो गवर्नमेंट स्कूल में जब जाती थी तो 10-15 मिनट चेयर पर बैठती थी, फिर उठ जाती थी, दर्द होता जी। तो उसके बाद मैं सूडान चला गया था, जैसे मैंने आके देखा था बिल्कुल चार पाई पर थी, न इनसे बैठा जाता था, न इनके पैर सीधे होते थे और न ये बैठ के खाना खा सकती थी, न इनको नींद आती थी रात को, दर्द होता था पूरी रात। तो फिर मैंने देखा सिचुएशन, उसके लिए मैंने घर के ऊपर भी थेरेपी लगवा रखी थी 1.5 महीने से, जो कि डेली के 500 रुपये लेता था, लेकिन पैर काला पड़ना शुरू हो गया था, पैर में सुन हो गई थी राइट साइड के पैर में। उससे कोई रिलीफ नहीं मिला? ना ना कोई रिलीफ नहीं था, दर्द पूरी रात दर्द, इलाज लिया उससे कोई? ना 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 कुछ रिलीफ नहीं था, बस सारे को इतना पता भी नहीं है, लेकिन ये सीधा बैठ नहीं सकते थे, खास आराम नहीं हुआ। फिर मैं जैसे ही वहाँ से आया मैंने छुट्टी ली 1 महीने की, और मैं तुरंत संजीवनी हेल्थ केयर की मैंने पहले आपसे बात कर ली थी, और मेरे जो यूनिट के थे एक हेड साहब हमारे सुबेदार मेजर प्रदीप कुमार, वो अपनी माँ को लेके आए थे यहाँ पर, उनकी माँ यहाँ से 12 दिन में बिल्कुल ठीक होके गई थी, उनको सेम प्रॉब्लम थी, वो बैठने में उठने में दिक्कत आ गई थी, उनको चलने में भी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप बगैर टाइम वेस्टेज करे और बाधरा संजीवनी हेल्थ केयर में ले जाओ, बहुत बढ़िया केयर होता है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं ये बोलता हूँ बिल्कुल हमारे को तो एक जादू की तरह लगा है, जो मतलब हम सोच रहे थे उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आराम मिला है। अभी मैडम चल सकती है और सीढ़ी चढ़ सकती है सारे से, और बगैर सारे के चल सकती है, बैठ सकती है, उकड़ू बैठ सकती है, पद्मासन में बैठ सकती है, आराम से नहा सकती है, आराम से नींद आ जाती है, दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया, दर्द कोई नहीं है, न कोई दर्द की दवाई चल रही है यहाँ पर, बिल्कुल बढ़िया साफ सुथरा इलाज है और कोई भी यहाँ पर धोखाधड़ी नहीं है जी। संजीवनी हेल्थ केयर सेंटर के अंदर प्रमिला जी आपका कितने दिन इलाज चला है? मेरा लगभग 16 दिन चला है। 16 दिन इलाज चला। अभी इनका 1 दिन इलाज और चलेगा, हम इनको कल छुट्टी देंगे। जो पेशेंट पिछले 4 महीनों से बिल्कुल चारपाई पे थे, उनको हमने बिल्कुल आपके सामने, अभी मैं आपके सामने चलाऊंगा और ये चलेंगे। और ये फौजी साहब हैं, इन्होंने मेरे से बात की थी आज से 4-5 महीने पहले, और जिस दिन ये छुट्टी लेके आए थे सेम डे हमारे पास पहुँच गए थे परमिला जी को लेके। अभी इनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बाहर के जितने भी रोगी फौजी साहब आपको देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो वो बिल्कुल अपने स्टेटमेंट पे विश्वास कर सकते हैं कि इनको दिक्कत थी, इनका 17 दिन इलाज यहाँ चला है और ये बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा जो दोस्त है वो हड्डियों का डॉक्टर भी है, मैंने पहले 15 दिन उसके पास भेजा, दवाई लिखी उसने, फिजियोथेरेपी लिखी, फिजियोथेरेपी करवाई, कोई आराम नहीं, दवाई छोड़ते ही सेम। न्यूरो का एक डॉक्टर है हिसार के अंदर, उसको दिखाया, उससे उसने फिजियोथेरेपी लिखी, कोई आराम नहीं, बिल्कुल ज़्यादा हाई पावर की टैबलेट दे दी, उनसे और बुरी हालत हो गई। उसके बाद मैं आने के बाद तुरंत जैसे साउथ सूडान से मैं आया तो घर आते मैंने उससे अगले दिन शाम को ही मैं लेके, संडे था 4 तारीख को लेके मैं यहाँ पर आ गया। कितने दिनों के बाद में आपको यहाँ पे आराम मिलना शुरू हो गया था? तकरीबन आप एक बार शुरू में जब इस जो ये डिक्स है इसका जो आप शुरू में इलाज शुरू करवाओगे तो आपको 5 से 6 दिन के बाद दर्द आपका बढ़ भी सकता है और बढ़िया है, लेकिन 7वें और 8वें दिन आपको बिल्कुल दर्द से निवारण हो जाएगा, दर्द आपके दर्द नहीं रहेगा, आपका थोड़ा बहुत चलने में डर रह सकता है लेकिन आप आराम से सो सकते हैं। और हमारे 7वें दिन मैडम के पैर सीधे होने लगे थे, खुद से मतलब चलने लगे थे लाठी के सारे, और शुरू वाले दिन मैं इनको बिल्कुल अपने कमर के ऊपर पद्दी बैठा के लेके आया था वहाँ से, 2 दिन उसके बाद 3रे दिन ये खुद से चल के आने लगे। लगभग इनको हमारे पास 10 दिन के इलाज के बाद में हमने इनको चलाना शुरू कर दिया था, और 10 दिन तक फौजी साहब अपने इनके कंधों पे ये इनको बैठा के लेके आते थे। जितना इन्होंने मेरे नज़रों के सामने किया है, हर किसी की बस की बात नहीं होती, हमारे पास दुनिया भर के पेशेंट आते हैं, दूर दूर से आते हैं, लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं या फिर बोलते हैं कि भी ये पैसे लो, जो भी करना है आप करो, आप संभालो, हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट मैंने अपने करियर में देखे हैं, लेकिन जितनी केयर इन्होंने की है
मैं ये बोलता हूँ कि काबिलियत तारीफ है फौजी साहब की, इतना हर कोई नहीं कर सकता। बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी शर्म के, ये अपनी मिसिज को सबके सामने रोड के ऊपर ऐसे पैदों पर बिठा के लेके आते थे। और लगभग 7-8 दिन के बाद में हमने इनको लाठी के सहारे से चलाना शुरू कर दिया था। 5 दिनों से तो बिना किसी सहारे के आराम से चल रही है, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये बिल्कुल ठीक है, इनको किसी भी तरह की ना कोई दर्द है ना कोई समस्या है। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जो भी रोगी हैं इस चीज़ के, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी इस रोग से ग्रसित है, डिस्क, सर्वाइकल और घुटनों का खास करके, मैंने अपनी आंखों के आगे मरीज यहाँ पर ठीक होकर जाते हुए देखे हैं। घुटनों के 70 साल के बुजुर्ग अपने अंकल और आंटी दोनों बिल्कुल दर्द से परेशान, और अभी आज उनको छुट्टी हुई है। मैंने उनसे पूछा, वो भी एक्समिसमैन थे, सुखदार साहब थे, तो वो मातनेल से थे, तो उन्होंने बोला कि मैं बिल्कुल सही हूँ अभी, और सर्वाइकल का मेरा आगे गर्दन और लेडीज का मैंने देखा है तो वो बिल्कुल सही होगी। हाँ, इनके इलाज में ये है 7 से 8 दिन लगेंगे, और आप जो ऑर्थो के डॉक्टर के पास जाओगे आपको चक्कर कटाते रहेंगे, दवाई खिलाते रहेंगे। हमने खुद दवाई खा के देखी है, 1 साल दवाई हो लिया खाते हुए पेन की, बिल्कुल दवाइयों ने वेट वो भूख भी बंद कर दी। ठीक है, तो मेरा मानना यही है कि अपना टाइम वेस्टेज बगैर करें और इस संजीवनी हेल्थ केयर के ऊपर विश्वास करें, और इसके अंदर जो भी डॉक्टर हैं वो बहुत ही हार्ड वर्क हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी जो भी जैसे कोई थेरेपी मशीन के ऊपर है, कोई लेडीज हैं, 2-3 लेडीज के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेडीज हैं, और आपको बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलेगा। और खाने की तरफ से, रहने की तरफ से मैं ये बोलता हूँ, मैंने पूरा वर्ल्ड घूमा, इतना रिस्पेक्टेड स्टाफ और इतना मेहनती स्टाफ शायद ही आपको कहीं नहीं मिलेगा, मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा स्टाफ, धन्यवाद सर। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आपको भी कमर दर्द, सर्वाइकल, साइटिका, नस लोग, घुटनों का दर्द या शरीर में दर्द से संबंधित अगर आपको कोई भी तकलीफ है तो एक बार आप हमसे संपर्क जरूर करें। धन्यवाद।